वेलकम अगेन और गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको कहती है एक बार फिर खुश आमदीद रंगारंग कलरफुल प्रोग्राम और वो है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी में आज हमारे जो है माशाल्लाह लाहौर से जो है तशरीफ लाए हमारे गेस्ट जी, मैं इनसे एक बार फिर आबिद शहजाद साहब सीईओ गैलेक्सी टच से। आबिद साहब, लाहौर में तो बड़ी धूम होगी, गैलेक्सी गैलेक्सी क्लासेस भी करवाते हैं, कराची में कब करवा रहे हैं? जी कराची में ज़रूरत ही नहीं पड़ रही क्लास करने की, यहाँ पहले बहुत यूज़र है माशाल्लाह। और जितना मुझे कराची में बिजनेस मिला और जितना रिजल्ट मुझे इधर से अच्छा मिला और कहीं से नहीं मिला, मैं ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ। यहाँ पर खुद हर मेकअप आर्टिस्ट है, खुद उनको पता अच्छी बुरी चीज़ कौन सी है। यहाँ पर मैंने शॉप सेंटरों से सिर्फ रबते किए हैं, उनके पास जब हमारी प्रोडक्ट गई है उसके बाद जो जो यूजर थे उन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने एक बार अप्लाई किया उन्होंने दोबारा और शेड ग्लैक्सी टच के अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं यूज की, ये अल्लाह का शुक्र है। इसका रीजन है आपके प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत अच्छी है, रीजनेबल है। देखिए सैलून में क्या होता है, एक रनिंग चल रहा होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव चीजों को फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल। तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी है और पेमेंट के हिसाब से भी आपकी जो रीजनेबल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कई ऐसे ब्यूटिशियन जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी नहीं अप्लाई किया, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि एक बार आप इसको यूज़ करें और इंशाल्लाह ताला अगर आप यूज़ करेंगे तो दोबारा इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक रिजल्ट अच्छे। और सबसे मेन चीज़ है कि कलर स्कीम इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, क्योंकि कलर स्कीम हर आई में, आई मेकअप बनाने वाले में कलर स्कीम इतनी नहीं होती। हमारी गोल्ड सीरीज बहुत है और गोल्ड की पाकिस्तान में ज्यादा डिमांड है बहुत रेट बढ़ गया जी गोल्ड गोल्ड का। और इसमें हर तरह के गोल्ड है, ब्लैक गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड है, रेड गोल्ड है, वेलवेट गोल्ड है, हर पूरी रेंज है इसमें। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा एक बार आप चेक करें और इंशाल्लाह तआला आप चेक करेंगे, आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कराची में आप आए हैं, मैंने देखा डिफरेंट शॉप्स पे गए, आप एक छोटा सा सेटअप ही कर लें ताकि और लोग आपसे जो कुछ सीखना चाहें या कुछ ऐसा कुछ सोचा है आपने कुछ, क्योंकि आपने कहा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कराची में बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिल रहा है। जी बिल्कुल, अभी हमारा इरादा यही है, यहाँ पर हम अपना एक सेटअप मुकम्मल जैसे लाहौर में हमारा बनना है इधर भी बना रहे हैं, और यहाँ पर मैं बहुत जल्द मेकअप क्लास भी करवाना शुरू कर रहा हूँ मुख्तलिफ एरियो में अलग अलग। नहीं नहीं, मैं आपके साथ हूँ जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप एक बार फिर वापस आएंगे, अभी तो जा रहे हैं ना जी, जी तो नेक्स्ट जब आप आएंगे तो मैं आपके साथ, क्योंकि मैं अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अकेडमी ऑन करती हूँ, फिर आपके साथ कुछ क्लासेस प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अच्छा है। देखिए हमारे पास अगर 2000 ब्यूटिशियन है वो आपसे कुछ सीखना चाहती है तो कोई बुरी बात है, और आप सिखाने वाले तो बच्चियों को और नॉलेज गेन होगी कि वो अपने बिजनेस को डेवलप करें, क्या कहते हैं, और उनको अच्छी एक मियारी प्रोडक्ट मिलेगी। और हमारी प्रोडक्ट के ऊपर डिब्बी के ऊपर भी लिखा था हलाल प्रोडक्ट है। अच्छा, ये सबसे मेन चीज ये है कि हम पाकिस्तान में अगर अच्छी चीज मिल रही है और उसके ऊपर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका हौसला अफजाई करनी चाहिए, ये लाजमन करनी चाहिए फील्ड के मुताबिक जो लोग हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो बेशक ना लें, मैं नहीं ये कहता, लेकिन एक बार ट्राई करें और इंशाल्लाह। एक बड़ा प्यारा सवाल है, यू आर पाकिस्तानी, आपने ये खुद बनाई जी, ठीक है, मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग जितना बाहर से मंगवाते हैं ना, सॉरी मैं अगेंस्ट में हूँ, ये बाहर से जो चीजें मंगवाते हैं और उस पर इतना टैक्स देते हैं, इतना नुकसान, मेड इन पाकिस्तान चीज हो तो क्या बात है, कितने अच्छे हम लोगों को, एक तो पेमेंट के हिसाब से भी हमको बर्डन नहीं पड़ेगा और हमारा माइलेज जो रेट शो बढ़ेगा, बल्कि हम चाहते हैं हमारे मुल्क से बाहर मुल्क चीजें जाएं, तो मुझे तो बड़ी खुशी है, आई फील वेरी प्राउड, यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान के आपने मेड इन पाकिस्तान प्रेजेंट किया। अभी अभी माशाल्लाह हमारी प्रोडक्ट गई है इधर से, कुछ लेकर गए दुबई, अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश में भी हमारी प्रोडक्ट गई है, तो रिजल्ट भी मिलता है वहाँ से, डिमांड भी दोबारा हुई है, क्या बात। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर काम किया ना, अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए हमने हर तरह से इसके ऊपर मेहनत की, और मैं खुद प्रोडक्ट जब बनाता हूँ तो मैं मुतमिन नहीं होता जल्दी अंदाज़ा हो रहा है एंड तक मैं उसको जब मुकम्मल कर लेता हूँ तो फिर भी मैं कहता हूँ इसमें कोई ना कोई चीज़ की रह, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की रहमत हो जाती है, उसमें बरकत डालती है अल्लाह की। नहीं नहीं नहीं, यू आर वेरी सिंसियर विद योर ब्रांड, अपने असल में दूसरों के लिए सोच के कर रहे हैं ना कि मेरी चीज वहाँ जाएगी, तो जाहिर सी बात है सर, एक बंदे को अपने नाम से तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता ना जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो कुछ आएगा, आप चाहेंगे कि यार मेरे इस ब्रांड को कोई वो करे, डिग्रेड करे, ऑफ कोर्स किसी को बेनिफिट होगा तो आपको ज्यादा खुशी होगी। और मुझे एक चीज का अफसोस है, किसी इधर बड़ी चीजों से ना मुझे पता चलता था, अब देखें मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हम मेहनत कर रहे हैं, आप इधर रह के मेहनत कर रहे हैं, एक
एक ब्यूटिशियन है वो खुद पाकिस्तान में रह के इसी के ऊपर मेहनत कर रही है. अगर किसी स्टूडेंट ने उनसे पूछ लिया कि ये प्रोडक्ट क्या कौन सी लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी है, कहाँ से मिलती है. और बहुत सी वो लेडीज़ हैं जो जेंट्स भी हो गए लेडीज भी है, जहाँ से मुझे पता चला वो ये कहते हैं कि ये हमने बाहर से परचेज किया. अल्लाह, तो बड़ा फखर होना चाहिए. लेकिन मैं कहता हूँ आप नाम लो ना यार, सिंसियर उस्ताद सर ब्यूटिशियन वही होता है जो अपने जूनियर को अच्छा गाइड करे, अपने स्टूडेंट को. गलत गाइड जब करेंगे आप, गलत स्टार्टिंग ही करेंगे तो आप जितना मर्जी नाम बना लें. सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ऐसा ये कि वो बड़े बड़े सैलून में जाए ना तो उनको फील होता है कि मेरी छुपा के यूज करना है. ऐसा है, सही कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगे कि जैसे ये कोई, अरे यू फील वेरी प्राउड, बोले प्रोडक्ट अच्छी है, कम पेमेंट में आपको क्या लेना देना. आप सिर्फ ये देखें उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, उन्होंने उसकी एक क्वालिटी रखी है. तो आप क्यों फील कर रहे हैं कि ये बताते हुए जरूरी कुछ बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को यूज करते हुए यू फील वेरी प्राउड. आप प्राउड महसूस करें, पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, यहाँ खाना खा रहे हैं, यहीं मरना है, यहीं रह रहे हैं, यही सब कुछ है, मोहब्बत, प्यार, बिजनेस. और जब कुछ ऐसा काम आता है उस वक्त यू फील हेजिटेट, शायद क्यों क्यों शर्मिंदगी महसूस करें. देखें ना, ये ना खुद उन्होंने ब्रांड प्रोडक्ट बनाया, ये बड़ी बात है, ये टैलेंट है, ये बड़ी बात है. और सबसे अच्छी बात है कि जो अपने प्रोडक्ट से सबको माइलेज दे रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सलून चल रहे हैं ना सर जी, ये भी तो देखे ऐसे लोग लेके जा रहे हैं. और इससे मैं एक बंदा हूँ बनाने वाला. मैंने जब स्टार्ट किया था मैं अकेला ही था, अकेले से मैंने स्टार्ट किया. आज अल्लाह का शुक्र है 10 साल से मेरे ख्याल में 10 लाख के पास तो लोगों का रिजक लगा है हर फील्ड में. अगर मैं लाहौर से कराची तक आया हूँ ना बिजनेस के लिए, तो वहाँ पेट्रोल पंप वालों को अभी रिजक लगा है हमारे थ्रू, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो उसी सिलसिले में आया हूँ. यहाँ स्टे किया, उधर भी वो बिजनेस कर रहे हैं. जो हमारे साथ ब्यूटिशियन है, स्टूडेंट है, क्लासेस कराते हैं, वो सबका अल्लाह ने रिजक. अगर मैं ना करता, अकेला बैठता, मेरे साथ जो भी है उनका साथ नहीं होना था. कि सिर्फ एक बंदे के काम से कितने लोगों का रिस्क जुड़ जाता जी, ये हकीकत है, ये हकीकत बात है. और सिंसियर होकर इंसान जब चलता है तो अल्लाह पाक उसमें बरकत भी डालता है. और इसमें अब बहुत से स्टार्टिंग में मैंने जब चीज ये बनाई थी तो मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा था कि आप इसका नाम, प्रोडक्ट अच्छी है, आप इसका नाम बाहर के ब्रांड का नाम रखें. अच्छा, जो कि नाम वर चलते. यकीन करें मैं उस वक्त मैं उनकी मान सकता था कि मैं स्टार्ट किया, लेकिन मैंने एक ही इरादा किया था कि मैंने अपना नाम देना और मेड इन पाकिस्तान ही देना. चले ना चले वो बात का मसला, लेकिन मैंने इसके ऊपर पूरी मेहनत करनी. तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अपना नाम दिया तो आज गैलेक्सी टच का नाम है. अगर मैं किसी और का नाम लेता हूँ उनका नाम होना था, मेरी नाम नहीं होना था, पहचान नहीं होनी थी मेरी इन चीज के ऊपर. नहीं नहीं बिल्कुल. और हिना प्लीज, यू हैव जस्ट 5 मिनट, बस इसका हो गया जी. यस, अच्छा इन्होंने पता है एक और, मैं लिपस्टिक की बात कर रही थी तो मेरे हाथ में इस वक्त ये इनका आई शेड्स जिन्होंने क्रीमी, तो जरा लिपस्टिक बताई, इन्होंने लिपस्टिक भी लगाई, इन्हीं में से लिपस्टिक लगी है. और ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है ब्रश से या इसको कोई पानी के साथ लिपस्टिक लगाने में यूज किया जाता है? ये डायरेक्ट एप्लीकेशन जी, ब्रश से लगा सकते हैं. हाँ जी, ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं. ब्रश दो किस्म के होते हैं, एक पानी वाला जो पानी से, एक फॉर्म वाला होता है जिसको डायरेक्ट अप्लाई होता है. अभी इन्होंने लिप के ऊपर भी ये 600 शेड लगाया है ये लिपस्टिक के तौर पे. इसमें और भी लिपस्टिक में लग जाते हैं शेड, ये डिपेंड करता है. ये मरून बड़ा प्यारा कलर लग रहा है. हाँ ये भी लगता है और ये कलर भी इसमें ठीक है, गुड. वाह, रेंज तो बड़ी प्यारी है सर जी. मिक्सिंग करें तो मरून और वो वाला लिपस्टिक, इन्होंने वो कलर का नंबर क्या है, बड़ा जबरदस्त. एक ये 600 है, ये भी मल्टी शेड है और एक इन्होंने 440 लगाया. अच्छा, मिक्स करके आप ब्लेंड, आप अपनी पसंद से इसे ब्लेंड करके भी लगा सकते हैं. देखे ना जी कितनी अच्छी बात है, आई शेड्स का आई शेड, लिपस्टिक के लिपस्टिक, हाइलाइटर में भी यूज हो जाता है. हाइलाइटर में भी यूज हो जाता है. और दूसरा ये है कि ये 24 कलर दिखने में आपको लग रहे हैं, ये 24 नहीं है, ये समझ लें कि आप इसको 48 नहीं ऊपर ले जाएं, 100 तक ले जाएं, क्योंकि इनकी जब अब 24 तो है ऑलरेडी, लेकिन आप दो एक दो मिक्स करेंगे वो एक अलग कलर बन जाएगा, इजाफी हो जाएगा. वो तो फिर इंसान की अपनी क्रिएशन हो गई ना. आप जैसे क्रिएटिव बंदे होंगे तो मेकअप आर्टिस्ट, किसी दिन मुझे आपसे नेक्स्ट आपने यहाँ पे लाइव शो में खुद मेकअप करना.
क्योंकि जो आप एक पता आपने खुद बनाया है ना, आपको पता होगा. हम तो वही सोचते हैं. जी इनर डन हो गया जी. देखिए आप इनके आईज ओपन कीजिएगा. आप इनके अंडर आईज में देख सकते हैं. इसमें भी मैंने इनका जो मूज बेस है ना, अच्छा मैंने पेंसिल कोई यूज नहीं करी. वो जो आगे छोटा वाला पड़ा वो जो नहीं, ये वाला नहीं, ये जो इनका मूज बेस है ना, जो जो हम हाँ यही वाला ठीक ठीक ब्लैक वाला जो मैंने पहले दिखाया था, जिसे मैंने बेस बनाई है, उसी को मैंने आंखों के अंदर डाल दिया. उससे हमें ये फायदा होगा कि ये खत्म नहीं होता. जैसे हम व्हाइट पेंसिल फैलता भी नहीं होगा, फैलता भी नहीं है. और जब हम व्हाइट पेंसिल लगाते हैं तो वो बिल्कुल कुछ टाइम में गायब हो जाती है. ये गायब भी नहीं होगा. तो आप इनका लुक ओवरऑल लुक देख सकते हैं. ये पूरा गैलेक्सी के साथ मैंने काम किया है. गुड गुड गुड. अच्छा जी, मैं चाहूंगी कि मैं अभी इनसे कुछ मैसेज ले लूं. और नाजिन आप सॉन्ग शहजाद भाई रेडी करें हमारी मॉडल की प्रेजेंटेशन. आप चुनना मॉडल खड़ी हो जाए. सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ब्यूटिशियंस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे काम का, आपके गैलेक्सी टच के बारे में क्या है, क्या आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी चीज़ लॉन्च करूं अच्छी से अच्छी करूं और गैलेक्सी टच के ऊपर ही काम करूं. और ये सारी चीज़ें मेहनत जो मैं इन लोगों के लिए कर रहा हूं कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके पास मेरी चीज़ जाए और मुनासिब रेट हो, तो और पाकिस्तान को ही ज़्यादातर ना किया जाए कि यार हमारे मुल्क की प्रोडक्ट है. ओके जी, सॉन्ग प्ले करें हमारे जो है मॉडल जो है वो. आप सोने आप खड़े हो जाओ चंदा. आखिरी टच भी हमारा रह जाता है. अच्छा यस. अच्छा जी कुछ इनका खास फरमाइश है. ये डस्ट आए ना सर, आ जाए सर, आप भी जरा मॉडल की करीब हो के थोड़ा सा कुछ प्रेजेंट करें. जाए जाए जाए, आ जाए जी, लगाएं आप खुद लगाएं, थोड़ा सा लगाएं अपने हाथों से, बिल्कुल हल्का सा मामूली सा मैं इसको टच कर रही हूं. ओके जी, क्लोज में देखिएगा इसका रिजल्ट, चेक कीजिए. ये देखो, ओए होए होए, जबरदस्त ग्लैमर मेकअप भी है इसमें. अच्छा ये विदाउट देखो वाटर यूज हो रहा है. सबसे अच्छी बात इसकी ये है क्या, हमें पानी के साथ भी इसको करने की जरूरत नहीं पड़ी. मैंने जो इनको ये आइस के ऊपर जो लगाया है ना, ग्लिटर जो लगाया है, ये आप देख रही हैं, ये मैंने इसमें ना कोई मैंने पानी यूज किया ना मैंने कोई सीलर यूज किया, ठीक है, डायरेक्टली मैंने फिंगर के साथ शेड के ऊपर लगाया है. और ये बिल्कुल भी नहीं झड़ रहा. सबसे अच्छी बात वही मैं देख रही थी. चले आप यहाँ पर जरा सा आ जाए और देन फोकस से सॉन्ग प्ले कीजिए किया जाए. और ये हमारी प्रेजेंटेशन गैलेक्सी टच की ब्राइडल प्रेजेंटेशन.
आ जाओ सोनिया मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सेंटर में आकर। जी नाजीन बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह अभी आप हमारे साथ ज्वाइन रहे और मैं इस वक्त शुक्रिया करूँगी सर आपका। आबिद साहब अब आप ये बताएं कि नेक्स्ट आपका कोई ऐसी बात जो ब्यूटिशियंस के लिए हो। जी नेक्स्ट यही मैं कहूँगा कि आप फिर आ रहे हैं दोबारा। हाँ जी मैं इंशाल्लाह मैं क्लास के सिस्टम में आ रहा हूँ तो आपको इनवाइट करूँगा सभी को इधर पूरे कराची को इंशाल्लाह ताला। तो आपको जितनी भी प्रोडक्ट हमारी है वो सारी आपको वहाँ ऑन स्टेज मेकअप डेमो वगैरह करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। मेरे साथ जो है आबिद शहजाद साहब सीईओ गैलेक्सी टच से थे, बहुत अच्छा रहा इनके साथ एक सेगमेंट हमने ब्यूटी किया और आई होप कि मैं कोशिश करूंगी मैं इस ब्रांड को और आगे भी प्रेजेंट कर सकूं, है ना। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कैसे लगे आपको ये प्रोडक्ट गैलेक्सी के? तो मैं ऑलरेडी यूज़र हूँ और काफ़ी टाइम से हम गैलेक्सी यूज़ करते आ रहे हैं तो इसके तो हम बहुत ज़्यादा आदी हैं। जैसे होता ना खाना अगर हमें टाइम पे ना मिले तो इस तरह से अगर मेकअप में हमें गैलेक्सी ना मिले तो हमारा मेकअप इनकम्प्लीट होता है। प्लस पॉइंट है कि रीजनेबल भी बहुत। हाँ सबसे बड़ी बात तो यही है कि ना रीजनेबल बहुत ज़्यादा है और फिर ये है कि ना बहुत ईजिली हम इसको काम कर सकते हैं जल्दी कम टाइम में, बहुत अच्छा सा हम मेकअप प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू इना, थैंक यू सोनिया एंड थैंक यू सर। जी नाजी यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।